कर्ज को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भाजपा नेताओं को सब्र रखने की राय दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शांता कुमार सुलझे हुए नेता हैं, ऐसे में भाजपा को उनकी सलाह माननी चाहिए। और जहां तक बात विकास की है तो खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया जाएगा। छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार के विद्यार्थियों ने भूकंप, आगजनी व अन्य आपदाओं की स्थिति में किस तरह बचाव करें के बारे में सीखा एवं जाना। आज विद्यालय में फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से धनीराम और सहयोगी कर्मचारी द्वारा एक दिवसीय जागरूकता अभियान में आगजनी, भूकंप व किसी अन्य आपदा से निपटने के लिए बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया गया। फायर ब्रिगेड टीम इंचार्ज धनीराम ने भूकंप की स्थिति में विद्यार्थियों को संयम बना के रखते हुए आपात स्थिति में किस तरह रेस्क्यू किया जाए के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं उन्होंने अग्निशमन यंत्र के प्रयोग सहित सिलेंडर की आग पर काबू करने का प्रैक्टिकल तरीका भी समझाया। जिला हमीरपुर में रविवार के दिन प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा रूट पर बसें ना चलाई जाने की शिकायतों को लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने आज बस ऑपरेटरों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में जिला हमीरपुर के सभी उपमंडल के प्राइवेट बस ऑपरेटर शामिल रहे। बैठक के दौरान बस ऑपरेटरों को आ रही विभिन्न समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों को परमिट के अनुसार सभी दिन बस सेवा देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई इसकी अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर पहुंचे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा के हस्ताक्षर अभियान पर चुटकी ली है। पठानिया ने कहा है कि भाजपा को तो कई बातों पर बोलना तक नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियों की अपनी समय की बात करते थे, लेकिन जब सत्ता से बाहर हुए तो अब हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने 5 साल में 40 संस्थान नहीं खोले तो 4 महीनों में 900 संस्थान कैसे खोल दिए। वहीं प्रदेश सरकार के फैसलों पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले सराहनीय हैं और लोक हित में मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं, जिसकी सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार के फैसलों पर मोहर लगेगी, जिससे सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भारतीय जनता पार्टी पर बेवजह सरकार की खिलाफत का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी सरकार को महज कुछ ही समय सत्ता में आए हुए हुआ है और भाजपा का प्रदेश नेतृत्व महज विरोध के लिए विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से एक माहौल बना है जिसमें भाजपा नगर निगमों, विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों को हार चुकी है। अब क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं तो प्रदेश भाजपा के नेतृत्व पर एक दबाव है कि किसी ना किसी तरह सरकार को घेरे। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर अडानी ग्रुप व ट्रक ऑपरेटरों के बीच बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को भी डीसी बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई अडानी ग्रुप व ट्रक ऑपरेटरों की बैठक बेनतीजा रही। मिली जानकारी के अनुसार एसीसी फैक्ट्री विवाद को लेकर बचत भवन में करीबन 3 घंटे तक बैठक चली। ट्रक ऑपरेटर भाड़े की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अडानी ग्रुप ने बड़ी गाड़ियों के लिए 9.30 रुपए और छोटी गाड़ियों के लिए 10.20 रुपए रेट देने की बात कही है। वहीं ट्रक ऑपरेटर 10.71 रुपए का रेट मांग रहे हैं। फिलहाल अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटरों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा। जिला प्रशासन लगातार दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने का प्रयास कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फैक्ट्री को खोलने के लिए एक बड़ा फैसला आ सकता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज कैंसर अस्पताल IGMC का दौरा किया और निर्माणाधीन कैंसर OPD ब्लॉक के कार्य को भी शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से लोग IGMC इलाज के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में सरकार लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं किस तरह से प्रदान कर सकती है, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोबा में पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत की और दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। उनके साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद थे।
जिलाधीश बिलासपुर ने जहां पर मेधावी छात्रों को इनाम बांटे, वहीं पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उपस्थित जनता का मन मोह लिया। स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति को लेकर इसके अलावा भजन, हिमाचली नाटियां और पंजाबी गानों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गईं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही सरकार ने 2500 करोड़ का कर्ज ले लिया है और इस महीने 1500 करोड़ और कर्ज लेने की तैयारी है। मात्र 2 महीने के कार्यकाल में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विधायक निधि की अंतिम किश्त के साथ ही जिला उपायुक्त को जारी होने वाले विभिन्न विकास के कार्यों के लिए पैसा रोक दिया है। सरकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़ों को भी गलत ढंग से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर जनता को गुमराह कर रही है। अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है और जांच नहीं कर रही। शिमला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अडानी 2014 में 609 स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि ये सरकार आम आदमी की ना होकर अडानी की बन गई है। देश की सरकार म्यूट और अडानी लूट के मोड में है। ये देश के हित में नहीं है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।